हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक की बात करने वाले प्यारे बच्चों, चूंकि आज आप लोगों ने बहुत दिनों से आप लोग उसका इंतजार कर रहे थे। यूपी बोर्ड के जो इंटर और हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो प्यारे बच्चे ये सोचते थे कि इस बार कोरोना की वजह से हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम जो है नहीं होने वाला है। तो उन बच्चों के लिए हमने एक वीडियो इससे पहले ही बनाया था कि भाई आपके एग्जाम होने ही होने हैं, आप उसकी तैयारी कीजिए। तो आज वो दिन, वो पल, वो समय आ गया प्यारे बच्चों जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। वो दिन क्या है, आप लोग सोच रहे थे कि यार अभी हाई स्कूल इंटर का जो है प्री बोर्ड नहीं हो रहा है, प्री बोर्ड की कोई डेट नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि एग्जाम ना हो। आप लोग सोच रहे हो कि प्रैक्टिकल नहीं कराया जा रहा, प्रैक्टिकल डेट निश्चित नहीं किया जा रहा है, तो हो सकता है एग्जाम ना हो। तो प्यारे बच्चों इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिलने वाला है। वो जवाब जानने के लिए यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। प्यारे बच्चों जैसा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं सभी विद्यालय काफी दिनों से बंद चल रहे हैं शीतलहर की वजह से। शीतलहर के कारण कुछ जिले में जो है कॉलेज स्कूल बंद हैं, तो कुछ बच्चों को सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, कुछ बच्चों को सूचना नहीं प्राप्त होता। प्यारे बच्चों तो आज हम उन्हीं सभी बच्चों के लिए, उन सभी प्यारे बच्चों के लिए ये सूचना प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपकी जो है यूपी बोर्ड की जो प्री बोर्ड का डेट है प्यारे बच्चों वो आ चुका है। वो प्री बोर्ड की डेट कब है और कब नहीं है, किस जिले में किस तारीख से किस तारीख तक पेपर करवाना है, वो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो ध्यान से देखना, आपकी जो है 2022 और 23 हेतु जो 10 और 12 की प्री बोर्ड लिखित परीक्षाओं का जो आयोजन किया जाता है प्यारे बच्चों, वो आयोजन के बारे में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा क्या सूचनाएं दी गई हैं, सुनिएगा। शैक्षिक सत्र 2022 और 23 हेतु कक्षा 10 और 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित कराया जाना चाहिए। प्यारे बच्चों 16 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक आपके यूपी बोर्ड के 10 और 12 का जो प्री बोर्ड का पेपर होना है वो 16 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक होने की संभावना है या हो कराया जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि यदि आपके प्री बोर्ड की एग्जाम 16 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य कराई जा रही है, और साथ में एक सूचना और है प्यारे बच्चों आपके लिए, वो है प्रैक्टिकल की, अर्थात प्रैक्टिकल डेट कब निश्चित किया गया है। तो प्यारे बच्चों जो 2022 और 23 के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जो प्रैक्टिकल की डेट है वो दो चरण में होने वाला है। वो प्रथम चरण आपका है प्यारे बच्चों 21 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक। किन किन जिलों में प्रैक्टिकल डेट है ध्यान से देखिएगा, आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन तथा बस्ती, इन जिलों में जो है 21 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक प्यारे बच्चों प्रैक्टिकल डेट रखी गई है, अर्थात इन प्रथम चरण में इन जिलों में प्रैक्टिकल डेट कराई जाएगी। तो आप लोग अगर नहीं जानते होंगे प्यारे बच्चों कि प्रैक्टिकल डेट कब है तो आपको पूछने और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको यहां बताई जा रही हैं। अगला जो दूसरा चरण है वो दूसरा चरण जस्ट 28 जनवरी के बाद, अर्थात 29 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक आपके दूसरा चरण कंप्लीट कराया जाएगा। उसमें किन जिले होंगे, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी तथा गोरखपुर, इन मंडलों में जो है प्यारे बच्चों आपका जो प्रैक्टिकल डेट है वो 29 जनवरी से 5 फरवरी तक सुनिश्चित कराई गई है। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप लोग, जो बच्चे अपनी तैयारी करना छोड़ दिए थे, जिनको लगना था कि यूपी बोर्ड इस बार एग्जाम नहीं कराने वाला है, उनको ये एहसास हो गया होगा कि यदि आपकी जो है प्रैक्टिकल डेट 5 फरवरी तक, यानी 5 फरवरी के अंदर प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड एग्जाम दोनों कंप्लीट करा लेने की सुनिश्चित किया गया है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा
पता लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ ही समय में यूपी बोर्ड आपके लिए जो यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होना है उसके लिए भी टाइम टेबल सुनिश्चित कर सकता है। और उम्मीद है प्यारे बच्चों 15 फरवरी से लेके 20 फरवरी के बीच में ही आपका एग्जाम भी स्टार्ट हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, और अगर आप नहीं जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर जानते होंगे तो भी अच्छी बात है, परंतु ये वीडियो दोस्तों के पास सभी लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, जिससे जो बच्चे नहीं जान पाए हैं वो बच्चे जान पाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोग जो है अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाए रखिएगा और अपनी टारगेट को मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।